वेलेंटेस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटेस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। मेरठ के हसनापुर क्षेत्र के भीमकुंड गंगा घाट पर मंगलवार की सुबह डूबी नाव के 12 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। शिक्षक व भीमनगर निवासी महेश का नाम लापता लोगों में बताया गया है, जबकि बाकी के नाम पत्ते तलाशे जा रहे हैं। हादसे का बड़ा कारण नाव का पिलर से टकराना बताया जा रहा है। टकराने के बाद नाव दो भागों में टूट गई और सभी लोग पानी में गिर गए। नाव में 7-8 बाइक भी लादी हुई थी। मौके पर मौजूद प्रत्याशियों ने फर्स्ट बाइट को दी जानकारी। 7 बजे का ये एक हादसा है और जैसे सब लोग इसमें सवार हुए, नाव में 7-8 मोटरसाइकिल थी, 17-18 लोग इसमें थे और जब नाव पिलर के पास आई है तो नाव उससे टकरा गई है पिलर से, और पिलर से टकराने के कारण नाव टूट गई, उसमें पानी भर गया और सब लोग फिर जो है वहीं डूब गए। मतलब पानी निकलने चले इधर उधर को बचाने के लिए, तेज बहाव तो है। हाँ, वो नाव टूट गई। 17-18 लोग थे, ढंग पे मौजूद था। हम बोट ले गए उधर से, लगभग नाव में कितने लोग सवार थे? सर 14 से 16 लोग 17 लोग की आशंका, यानी कि लगभग 20 से नीचे नीचे लोग। 20 से नीचे। अच्छा, उसमें बाइकें कितनी थी? लगभग बाइक लगभग 4 से 5 हो सके सर। 4 से 5 बाइकें थी। अच्छा, तो वो यहाँ इधर मतलब भीकुंड की तरफ से जलीलपुर ब्लॉक की तरफ के लिए पार हो रहे थे। अच्छा, तो क्या इसका कारण क्या रहा है? कारण इसका कुछ नहीं, संतुलन बिगड़ने के कारण बस हो गया। अच्छा, जैसे वो पिलर से टकराई थी तो उसमें कुछ लोग मतलब अनबैलेंस समझे अपने आप को और कूदने लग गए, तो आपने उनको बचाया कि क्या? सर हमने 11 लोग निकाले हैं। 11 लोग निकाले आपने? 11 लोग निकाले। अच्छा, और बाकी लगभग कितने अभी? भाई सर आपके और की पुष्टि नहीं हो पा रही कितने हैं, पर 11 लोग हमने बाहर सुरक्षित निकाल लिए। 11 लोग आप लोगों ने सुरक्षित निकाल लिए हैं और अभी लगातार आप लोग प्रयास कर रहे हो? ठीक है, धन्यवाद। मौके पर मौजूद जिलाधिकारी दीपक मीणा ने यह बताया। सर एक नदी में नाव डूबी है, कितने लोग सवार थे अभी तक, कितने लोगों को निकाल लिया गया है? देखिए, मॉर्निंग में 7:30 की घटना है हस्तिनापुर में। यहाँ पे जो प्रथम दृष्टया, क्योंकि एग्जैक्टली कोई नहीं बता पा रहा, पर जो हमें सूचना और जो गैदर हुई है, अराउंड 14 से 15 लोग उस नाव में थे, जिनमें से 12 रेस्क्यू हो चुके हैं। और अभी जो एक नाम है जो सभी लोग बता रहे हैं, महेश करके एक टीचर हैं, जो नहीं मिल रहे हैं, उसके अलावा कोई और नाम नहीं बता पा रहा है। हम लोग लगातार संपर्क में हैं, तो अभी के लिए तो हमारी रिपोर्ट के हिसाब से तो एक मिसिंग है, बाकी लोग रेस्क्यू हो गए, सूचित कर दिया है, वो भी रास्ते में गाज़ियाबाद से आ रहे हैं। बाकी पूरा पुलिस प्रशासन, गाँव के लोग, सभी लोग हैं, स्थानीय स्तर पर भी मदद की जा रही है, एम्बुलेंसेज और सब इन प्लेस है, तो सभी देखा जा रहा है। फर्स्ट प्रायोरिटी है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी से जल्दी हो जाए और कोई भी ऐसा ना रहे कि जो बच जाए हमें मिले। इस घटना की गूंज लखनऊ तक सुनाई दी है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युद्ध स्तर पर राहत व बचाव कार्य के निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को दिए हैं। एनडीआरएफ की टीम को भी रेस्क्यू अभियान के लिए बुलाया गया है। अभी के लिए इतना ही। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।